Hello students, welcome you all on the YouTube channel of City Public School. I'm Abhishek Tiwari and I welcome you all class 9th students in the video lecture of History Chapter 2 named Socialism in Europe and Russian Revolution. ठीक है students, हम लोग सोशलिज़म पढ़ रहे हैं. सोशलिज़म यूरोप में समाजवाद और इसके साथ रशिया का रेवोल्यूशन, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई, ठीक है, जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई थी. इनमें किस तरह के चेंजेस होते हैं सब्सिक्वेंटली, वो सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे. लास्ट डे हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर कवर किया था एज ऑफ सोशल चेंज, और बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको बताया था कि क्या होता है लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं. अब थोड़ा डिटेल में जानने की ज़रूरत है कि ये कौन थे और इन्होंने, इनके द्वारा इस पूरे मोमेंट को, इस पूरे इवेंट को हम चेक करेंगे कि इनमें किस तरह से इनका अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा और किस तरह से इनके द्वारा ये बदलाव हो पाए इसमें. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट the second lecture of this lesson. This is, you know, which is liberals, radicals and conservatives. तो हमने लास्ट से जैसे आपको बताया ही था कि लिबरल्स कौन होते हैं. वन ऑफ द ग्रुप विच लुकड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स. एक ऐसा समाज का एक ऐसा पार्ट या ग्रुप जो बिलीव करता हो बदलाव में, चेंजेस में बिलीव करता हो, ठीक है, लिबरल्स कहलाते हैं. लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स. लिबरल्स जो होते हैं बच्चों, वो उदारवादी उनको हिंदी में कहते हैं. सो दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. वो एक ऐसे देश को चाहते हैं जहाँ पे सभी रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, सभी रिलीजन्स को एक बराबर रूप में जो है फेस किया जाए. उसको टॉलरेंस मतलब होता है सहनशीलता. वेयर देयर इज ना टॉलरेंस फॉर एवरी रिलीजन, जहाँ हर धर्म को और उनकी अपनी प्रैक्टिसेस को मान्यता दी जाए, एफिलिएशन दी जाए. ठीक है, वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन. आपको याद होना चाहिए कि उस दौरान जो यूरोपियन स्टेट्स थे यूजली डिस्क्रिमिनेटेड इन ना, वहाँ पे क्या होता था, भेदभाव होता था इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर. ठीक है, एक रिलीजन या दूसरे के फेवर में जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. जैसे कि ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ओके, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च. ठीक है, जहाँ ब्रिटेन के लोगों ने चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर किया, ऑस्ट्रिया को और स्पेन के लोगों ने फेवर किया, वहीं इन सब के लोगों ने जो है क्या किया, कैथोलिक्स को फेवर किया. तो ये क्या थे कि ये सभी लोगों ने चर्च के रूप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और स्पेन ने क्या किए, इन्होंने कैथोलिक रिलीजन्स को प्रायोरिटी दिया. ठीक है, वहाँ पे अगर हम क्रिश्चियन रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियन रिलीजन के दो पार्ट्स होते हैं, दो सेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स. एक को कहा जाता है कैथोलिक्स कहा जाता है, एक कैथोलिक्स कहलाते हैं और दूसरे जो होते हैं उनको हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं. प्रोटेस्टेंट कहते हैं. तो इन दोनों की कंपेयरिंग में अगर हम बात करें तो ये जो देश हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और स्पेन, इन्होंने क्या किया, कैथोलिक चर्च को मान्यता दिया, इन्होंने कैथोलिक रिलीजन को प्रायोरिटी दी, डिस्क्रिमिनेशन किया और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स को नहीं मान्यता दी. लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. इसके अलावा जो लिबरल्स होते हैं ये टॉलरेंस ऑफ रिलीजन्स का की बात करते ही करते हैं, इसके साथ साथ ये लोग अनकंट्रोल्ड जो पावर होता है डायनेस्टिक रूलर्स का, उसका भी विरोध करते थे ये. ठीक है, कि राजा के पास, रूलर्स के पास अनकंट्रोल्ड मतलब एब्सोल्यूट या निरंकुश शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कि जो मन करे वो करे वो.
दे वॉन्टेड अ सेफ गार्ड टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स. वो चाहते थे सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को सेफ गार्ड किया जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ इंडिविजुअल के अधिकारों का जो है क्या हो, इंडिविजुअल्स को जो है कहीं ना कहीं उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए. दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाई वेल ट्रेन जुडिशरी दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से सुधारवादी बदलावों को लिबरल्स जो है मांग करते, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ना, लॉज जो हैं वो वेल ट्रेंड जुडिशरी के द्वारा इंटरप्रेट किए जाएं और जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो रूलर्स और ऑफिशियल्स, किसी का भी उस पर दबाव ना हो, इन सब की मांग करते थे. हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, हालांकि वो डेमोक्रेट्स नहीं होते थे, इसके बावजूद भी वो डेमोक्रेट्स लोकतांत्रिक नहीं होते थे. दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लिबरल्स जो थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो इंडिया में सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है उसको वो लोग नहीं मानते थे, उसमें बिलीव नहीं करते थे. दैट इज़ द राइट टू ऑफ एवरी सिटीजन्स टू वोट, जिसका मतलब होता है हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार. ये तो आप जानते ही होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 साल तक के, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 18 साल के ऊपर के हर किसी को वोट देने का अधिकार है, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं हिंदी में. दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट. दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू वोट फॉर वेमेन. उन्होंने महसूस किया, उन्हें वो महसूस होता था कि प्रॉपर्टी मेनली जो है मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी हो पुरुषों के पास, उन्हें वोटिंग राइट दिया गया और इसके साथ महिलाओं को जो है वोटिंग राइट से दूर रखा गया. ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई. हम बात करते हैं इनके लिबरल्स की. अब लिबरल्स के खिलाफ इनके विपरीत रेडिकल्स की बात करें. रेडिकल्स क्या थे? वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. उसके विपरीत जो रेडिकल्स थे, उग्रवादी तेज बदलाव वाले, वो चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या की मेजॉरिटी के ऊपर आधारित हो. ठीक है, मेनी सपोर्टेड वुमेन सेफ सफरगेट मूवमेंट. बहुत से लोगों ने महिलाओं को वोट देने के जो आंदोलन हुए उसको समर्थन किया. ऐसे लोगों ने, अनलाइक लिबरल्स, दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. तो जैसा लिबरल्स लोग जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स और लैंड ओनर्स वगैरह को, इन्होंने उनको मिलने वाली प्रिविलेजेस, विशेष अधिकारों को इन्होंने उनका विरोध किया. किसी को भी बाय बर्थ, बाय विदाउट मेरिट, उसको किसी भी तरह का प्रिविलेज या विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, केवल इसलिए कि वो बड़े जमींदार के परिवार, केवल इसलिए कि वो बड़ी फैक्ट्री के मालिक के परिवार पैदा हुआ है, इसलिए उसको विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए. इस बात का भी विरोध करते थे. दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस के खिलाफ में नहीं थे. ठीक है, बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू. लेकिन जो प्रॉपर्टी था किसी, वो जो लोग, ये लोग जो थे रेडिकल्स, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ में नहीं थे. ऐसे लोग जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ में नहीं थे. ऐसा नहीं था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चाहते थे, लेकिन वो ना पसंद करने वाली जो चीज़ उनके लिए थी वो थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ अ फ्यू. कि प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में हो, इस बात से उन्हें परहेज था. ठीक है, तेज बदलाव में विश्वास करते थे, मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स में विश्वास करते थे. ठीक है, महिलाओं को वोटिंग राइट देने को लेकर के पक्षधर थे. इसके अलावा जो है ये जो वेल्दी लोग थे उनको प्रिविलेज देने के खिलाफ थे. ठीक है,
और इसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टीज के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टीज कुछ हाथों में होने के खिलाफ थे ये। तो ये रेडिकल्स रेडिकलिस्ट कहलाए, रेडिकल्स कहलाए, ठीक है। आगे बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपोज करते थे किसको, रेडिकल्स को भी करते थे और लिबरल्स को भी करते थे। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़ीवादी, पुरानी सोच वाले, ऑर्थोडॉक्स, या उसको हम प्रेजुडाइसिस कहते हैं, प्रेजुडाइसिस वाले। ये लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपोज किया, लिबरल आइडियोलॉजी को भी अपोज किया और इसके अलावा रेडिकल आइडियोलॉजीज का भी विरोध किया। आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद, हावेवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपेंड देयर माइंड्स टू नीड फॉर चेंज। उन्होंने भी अपने दिमाग को खोला और उसमें उन्होंने आवश्यकता महसूस की, बदलावों की आवश्यकता को महसूस किया। अर्लियर इन द 18th century, इसके पहले 18th century में कंजर्वेटिव्स हैड बोथ जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज, ठीक है। इसके पहले कंजर्वेटिव्स जो थे वो आइडिया ऑफ चेंजेस का विरोध करते थे। बाई द 19th century दे एक्सेप्टेड सम चेंजेस वॉज इन्वाइटेबल। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ बदलाव अनिवार्य हैं, बट बिलीव्ड, लेकिन ये विश्वास करते थे, दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, कि पास्ट का सम्मान होना चाहिए, एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। और वो ये मानते थे कि जो बदलाव हैं, ठीक है, पास्ट का, पास्ट के जो भी बनाए हुए रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको उनको रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, वो ये मानते थे। और चेंजेस जो हैं हैड टू बी ब्रॉट अबाउट अ स्लो प्रोसेस, समाज में कोई बदलाव आ रहा है वो धीरे धीरे प्रक्रियाओं से आना चाहिए, तेज़ी से बदलाव आना नहीं चाहिए, इस बात के ये समर्थक थे। ओके, होप आपको ये भी समझ में आया होगा। शॉर्ट में कंजर्वेटिव्स को देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव्स रेडिकलिस्ट और लिबरलिस्ट दोनों का विरोध करते थे, ठीक है। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद से, जब 1815 की रिवोल्यूशन और उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वाटरलू हुआ, उसके बाद से उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा बहुत बदलावों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ ये मानने लगे कि बदलाव, कुछ बदलाव अनिवार्य हैं और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग पुरानी रूढ़िवादी विचारों, परंपराओं, इन चीज़ों का समर्थन करते हैं, उसमें बदलाव नहीं चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बदलावों को धीरे धीरे चाहते हैं, तेजी से बदलाव ना हो, बदलाव एक धीमी प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए, तो ये इनका अपना ही मानना था। इसके बाद सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल यू नो टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो इस तरह के जो आइडियाज़ थे अबाउट सोशल चेंजेस, जो सामाजिक बदलावों को लेकर के थे, क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। तो सोशल और पॉलिटिकल जब टर्मोइल्स हुए, विद्रोह हुए, तो इसमें इनको दबा दिया गया, दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में शामिल थे ना। सो द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रिवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th century हेल्प्ड डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज। तो जो वेरियस अटेम्प्ट्स, प्रयास हुए एट रिवोल्यूशन, ठीक है, जो रिवोल्यूशंस के बहुत से प्रयास हुए, और जो नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन था 19th century में, ठीक है, हेल्प द डिफाइन बोथ द लिमिट्स, इन दोनों ने हेल्प किया, ठीक है, डिफाइन करने में भी और लिमिट करने में भी जो पोटेंशियल्स था, ठीक है, पॉलिटिकल टेंडेंसीज का, इस तरह के आइडियोलॉजीज का, उसको डिफाइन करने में और उसकी सीमाओं को डिसाइड करने में भी इन आइडियोलॉजीज ने बहुत हेल्प किया ड्यूरिंग दैट यू नो 19th or 20th century, ठीक है। उस दौरान इसमें बहुत बड़ा रोल इन आइडियोलॉजी का था। आगे चलकर हम देखेंगे कि आइडियोलॉजीज किस तरह से ना एक चेंजेस लाते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, और सोशल चेंजेस कैसे आते हैं यूरोप में, स्पेशली रशिया में, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ा, हम लोगों ने लिबरल्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा,
इसके अलावा हम लोगों ने जो है हम लोगों ने कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये तीन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और भी डिटेल्स को स्टडी करेंगे। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, यू स्टडी इट केयरफुली एंड प्रिपेयर योर नोट। टिल देन थैंक यू।